शुरू होता हुआ पहली रेड आ रही है, पर जाएंगी बाबा हरिदास क्लब की 12 नंबर की खिलाड़ी रेड पर है अभी। रेडर को बोनस मिला है, एक खाता खुला है बाबा हरिदास क्लब का, एक पॉइंट मिला है। शुरू कराओ, उसके बाद आपके ऊपर है। और एम्प्टी रेड थी, अब रेड पर है 6 नंबर खिलाड़ी बाबा हरिदास क्लब से। बोनस मिला है बाबा हरिदास क्लब के रेडर को, 2 पॉइंट हो गए हैं बाबा हरिदास क्लब के। पहली रेड आएगी, असिस्टेंट पूरा दोनों तरफ चेक करने के बाद जो भी आउट होंगे वो सिटिंग क्लब में जाके बैठेंगे, खड़े नहीं रहेंगे। और अब रेड पर है बाबा हरिदास क्लब की 8 नंबर खिलाड़ी। बोनस पॉइंट लेकर गई है 8 नंबर खिलाड़ी बाबा हरिदास क्लब की। और ये डोर डाई रेड है खेलो इंडिया, खेलो कबड्डी, कबड्डी इंडिया टीम के लिए। वापिस रेडर आउट का इशारा दिया रेफरी ने, और एक और पॉइंट मिला है बाबा हरिदास क्लब को। रेड पर है बाबा हरिदास क्लब की खिलाड़ी नंबर 12। और 2 खिलाड़ी आउट किए हैं कबड्डी इंडिया के, 12 नंबर खिलाड़ी बाबा हरिदास की टीम की खिलाड़ी ने मैच की कॉल दे रहे हैं लोग, सीआरपीएफ वर्सेस सीआरपी। 7 नंबर खिलाड़ी कबड्डी इंडिया की टीम की है रेड पर। सेक्शन में 5 एम्प्टी रेड वर्सेस 8 नंबर खिलाड़ी। बाबा हरिदास क्लब से और एक खिलाड़ी को आउट किया। बिल्कुल रेडी रहे सीआरपीएफ और सीआरबी तवड़ स्पोर्ट्स क्लब की वुमेन कैटेगरी की दोनों टीमें, सीआरपीएफ और सीआरबी तवड़ स्पोर्ट्स क्लब वुमेन कैटेगरी की टीमें रेडी रहे। जो मैच चल रहा है इसके तुरंत बाद आपका मैच होगा। रेडर आउट का इशारा दिया है रेफरी ने, बकलाइन को क्रॉस नहीं किया था। और अब रेड पर है 12 नंबर की खिलाड़ी हरिदास क्लब से। और 7 नंबर खिलाड़ी को आउट किया है 12 नंबर खिलाड़ी बाबा हरिदास क्लब की टीम ने। मेंस के लिए मैच की फर्स्ट कॉल दे रहे हैं बाबा चरण कबड्डी क्लब अंबिकापुर, बाबा चरण कबड्डी क्लब अंबिकापुर। और पहला लोना लगाया है हरिदास क्लब, बाबा हरिदास क्लब ने पावरफुल डैश था, लाइक की क्लोज जाते जाते बिल्कुल बाहर। थोड़ा सा ना थोड़ा मॉरल तरीका ध्यान रखो चिल्लाने का है, अगर गले में फंस गया हो थोड़ा ध्यान रखो, गलत है। वापिस बोनस पॉइंट मिला है रेडर को। बहुत ही
अच्छा नजारा है ये। और इस खिलाड़ी को पकड़ा है, टीम एफर्ट था और टाइम आउट लिया है। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एक चेंज लिया है कबड्डी इंडिया ने, टीम ने रुदार दोनों को लेकर प्लस पांच नंबर खिलाड़ी चार पॉइंट कोर्ट में जाएंगी। एनएम स्पोर्ट्स क्लब के स्कोर में ऑल आउट के बाद ऑल इन की कॉल है। पांच नंबर खिलाड़ी रितु जो कि अब कोर्ट में जाएंगी। टाइम आउट की कॉल है गाजीपुर की तरफ से, पहला टाइम आउट उनका। स्कोर क्या है सर? 9-0 का स्कोर है इन फेवर ऑफ। और अब दोनों टीम के खिलाड़ी कोर्ट में और रेड पर हैं। दो नंबर खिलाड़ी बाबा हरिदास क्लब की, और इस खिलाड़ी को पकड़ लिया है कबड्डी इंडिया टीम की खिलाड़ियों ने, और दो नंबर खिलाड़ी आउट हुई हैं बाबा हरिदास कबड्डी क्लब की। रेडर आउट। और अब छह नंबर खिलाड़ी रेड पर हैं बाबा हरिदास क्लब की तरफ से। और आउट किया कबड्डी इंडिया टीम की खिलाड़ी को, और अब रेड पर हैं कबड्डी इंडिया टीम की खिलाड़ी। एम्प्टी रेड थी और रेड पर है दो नंबर खिलाड़ी बाबा हरिदास क्लब की। दोनों तरफ देखिए, अगर एक बार अंपायर के डिसीजन के बाद रेफरी की तरफ भी देखा करो, उसके बाद अपोज किया करो, कुछ वैसे अपोज तो करना ही नहीं चाहिए। और कामयाब नहीं हो पाई थी रेडर को पकड़ने में, और पॉइंट मिल गया है बाबा हरिदास क्लब को। सात नंबर खिलाड़ी रेड पर हैं कबड्डी इंडिया टीम की तरफ से। रेडर आउट, और एक पॉइंट भी मिला। अब आठ नंबर खिलाड़ी रेड पर हैं बाबा हरिदास क्लब के लिए, और कबड्डी इंडिया टीम की खिलाड़ी कोर्ट का पैर कोर्ट के बाहर चला गया था। वन पॉइंट। अब रेड पर है कबड्डी इंडिया टीम की रेडर खिलाड़ी, और उस खिलाड़ी को पकड़ लिया बाबा हरिदास क्लब की खिलाड़ियों ने, और अब दो नंबर खिलाड़ी रेड पर हैं बाबा हरिदास क्लब के लिए। सक्सेसफुल नहीं है पाए रेडर। और अब तीन पॉइंट मिले हैं बाबा हरिदास क्लब को, और अब दूसरा लोना लगाया है बाबा हरिदास क्लब ने। बाबा चरण कबड्डी क्लब और बीजापुर दोनों की टीम ने बहुत अच्छा तीन पॉइंट लिए हैं कबड्डी इंडिया टीम ने। और इसी के साथ हाफ टाइम हो गया है, इसी के साथ हाफ टाइम का इशारा दिया है रेफरी ने। पिछली रेड में बाबा हरिदास क्लब के तीन खिलाड़ियों को आउट किया था कबड्डी इंडिया की रेडर ने। स्कोर है रेड पर है कबड्डी इंडिया की खिलाड़ी कबड्डी इंडिया।
ये दो नंबर खिलाड़ी हैं कबड्डी इंडिया की, ये रेड के लिए जाएंगी। और पकड़ लिया है इस खिलाड़ी को बाबा हरिदास क्लब की खिलाड़ियों ने और रेडर आउट का इशारा दिया है रेफरी ने। क्या स्कोर चल रहा है इधर? 12 नंबर खिलाड़ी एक बार फिर रेड पर, 14-1 बाबा हरिदास क्लब से। 14-1 का स्कोर है इन फेवर ऑफ एनएल स्पोर्ट्स क्लब। एक आंख से देखो तो केवल एक का फर्क, चार का फर्क, और दोनों आंख से देखो तो 13 का फर्क। और अब इस फर्क को कैसे पूरा करते हैं? बोनस पॉइंट मिला है रेडर को। टाइम आउट की कॉल है रेडर में जाते जाते की काजीपुर का टाइम आउट। एंट्री रेड थी, 12 नंबर खिलाड़ी फिर रेड पर बाबा हरिदास क्लब से। दूसरा टाइम आउट है इनका, इस हाफ का खत्म। बोनस पॉइंट मिला है बाबा हरिदास क्लब को एक और, और कबड्डी इंडिया की टीम क्रिएटर को बाबा हरिदास क्लब की खिलाड़ियों ने पकड़ लिया था और एक और पॉइंट मिला है। 6 नंबर खिलाड़ी बाबा हरिदास क्लब के रेड पर हैं। अरे ये तो एक खिलाड़ी आउट हुई है कबड्डी इंडिया टीम की। और 5 नंबर खिलाड़ी रेड पर हैं टेक्निकली तरीके से कबड्डी इंडिया टीम की। मैच गलत थी, स्टार्टिंग ठीक थी लेकिन बीच में हिसाब से सीजर कैच का अभी हो गया था तो उस वजह से रेफरी को इंटरफेयर करना पड़ा। रेडर आउट, गेम ना मिट्टी से उठ के मैच पे चला गया मैच रेफरी ने और मैदान में कहां का पहुंच गया। लेकिन एक चीज है जो अब रेड पर है 8 नंबर खिलाड़ी 100% नहीं पहुंच पाया वो बहुत जरूरी है। अंपायर के बोलने से पहले प्लेयर बोलने लग जाते हैं, एक अंपायर का डिसीजन देखते हैं रेफरी की तरफ देखते रहिए, अंपायर के डिसीजन के बाद दूसरे अंपायर की तरफ भी देखा तो रेफरी। और एक और पॉइंट लिया है बाबा हरिदास क्लब के खिलाड़ी। टाइम कोड चेंज ऑर्डर बाय रेफरी। और ये चीज ना बहुत जरूरी है बिकॉज हम खेल अच्छा लेते हैं ये हमें कोर्ट से मिल जाता है, एक एजुकेशन है जो हमारी स्कूलिंग हमें देती है थोड़ा सा, तो यहाँ भी हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के बार हम छोटी छोटी गलती करते हुए देखते हैं, गेम की इंटेंस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है, बट हमें सीखना होगा और दिखाना होगा अगले मैच में कि हमने सुधार किया है, बट वो चीज उम्मीद की जा रही है लेकिन दिखती नहीं है। हाफ टाइम पे स्कोर किया विजय जी 16-2 का स्कोर है। और ये आखिरी मिनट है 16-2 का स्कोर है, एनएम स्पोर्ट्स क्लब जो है लीड कर रहा है। इसी के साथ ये मैच खत्म का इशारा किया रेफरी ने, इसी तरह मैच समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। फाइनल स्कोर क्या रहा गुली? 8-30 और 4-30 का स्कोर रहा 30 इस मैच में से जीत हासिल की है। ये मैच जीता है बाबा हरिदास क्लब दिचाऊ क्लब ने।